ओ भाई साहब, पिकअप चेक करते हैं सीएनजी में इसका, पकड़ लेने पूरे, मैं ब्रेक खींच के मार के देखना चाह रहा हूँ। हाय एवरीवन, सो टुडे आई एम ड्राइविंग अर्टिगा, VXI वेरिएंट है, सीएनजी में 1.5 लीटर इंजन आता है। इसका मैं ड्राइविंग रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। गाड़ी है तनिष्क फ्रॉम फरीदाबाद। तो इनकी जो ये गाड़ी है, इसका मैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। इट शेयर्स द सेम पेट्रोल इंजन विच कम्स इन ब्रेजा। तो थोड़े बहुत जो चेंजेस आएंगे ड्राइविंग एस्पेक्ट्स में, ड्राइविंग डायनेमिक्स में, दैट आई एम गोना शेयर इन दिस वीडियो। प्लस थोड़ा सा गाड़ी का मैं ब्रीफ बता देता हूँ। गाड़ी का बूट ऐसा है, सिलेंडर यहाँ इसके नीचे है, फैक्ट्री फिटेड है। चलो इंटीरियर की बात करते हैं। ये आफ्टर मार्केट टच स्क्रीन है गाड़ी में, और ऐसा इंटीरियर है, थोड़ा सिंपलिस्टिक है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, स्पेसियस बहुत है। इफ़ एनीवन इज़ कन्फ्यूज बिटवीन ब्रेजा एंड अर्टिगा, दिस इज मोर स्पेसियस। डैशबोर्ड बहुत लंबा चौड़ा है, विजिबिलिटी बॉनेट बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, दैट इज़ क्लियरली विजिबल इन ब्रेजा। ठीक है, दिस इज़ नॉट टोटली कंपेरिजन वीडियो, आई एम जस्ट टेलिंग माई डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने अर्टिगा अभी तक नहीं चलाई, सिर्फ मैं पीछे बैठा हूँ। ठीक है, सेकेंड रो मुझे यहाँ से काफ़ी खाली, मतलब खुली खुली दिखाई दे रही है स्पेसेस, वो भी मैं चलो एक बार अभी बैठ के दिखा देता हूँ, फिर सीधा हम ड्राइविंग एक्सपीरियंस को ही शेयर करेंगे। ओ भाई साहब, बहुत खुली है ये एरिया जो है ना, काफ़ी बढ़िया गाड़ी का, मतलब खुला खुला है। यहाँ से अगर सीट देखोगे ना, मुझे तो देखो पहली बार मैं ऐसे बैठ रहा हूँ, वरना जो आदत वाली सीट थी मैं उनमें बैठा हुआ हूँ। बहुत स्पेसियस है सीट, ये मेरे हिसाब से एडजस्टेड है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, खुली खुली है गाड़ी। बस हेडरेस्ट इसके थोड़े उठाने पड़ेंगे अगर मुझे अपने अकॉर्डिंग लगाने हो। ये आर्मरेस्ट है विदाउट एनी कप होल्डर्स, और ये चार एसी वेंट्स विद कंट्रोलर। अब चलाते हैं गाड़ी। लेट्स गो ऑन अ ड्राइव, स्विच ऑफ द एसी। तो जो इंजन साउंड है ब्रेजा से हल्की सी, थोड़ी सी ज़्यादा है, बिल्कुल हल्की सी, नोटिस नहीं कर पाओगे। अब एसी चला लेते एक बार। ये किस चीज़ का कंट्रोलर है? एसी, यहाँ पे एसी है। ओके, यहाँ भी एसी है, नाइस। यहाँ गाड़ी में घुमा लेता हूँ। गाड़ी 2021 का वेरिएंट है। कौन सा मंथ आपने बताया था? मई का। ओके, मई 2021 का है। गाड़ी चला चुके हैं अराउंड 11,500 किलोमीटर्स, राइट? राइट लेना, ठीक है, विल गो ऑन राइट। सीट बेल्ट लगाना। अब गाड़ी सीएनजी में है, और मैं डिफरेंस भी आपको बता दूंगा। इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन हाईवे, तुरंत अगर पेट्रोल से सीएनजी या सीएनजी से पेट्रोल में अगर स्विच करते हो, तो क्या डिफरेंस आप फील करते हो? इसके गियर्स मुझे थोड़े से ज्यादा बिल्कुल हल्के से ज्यादा स्मूथ लगते हैं अपने वाली से। विजिबिलिटी बहुत अच्छी, इसके विंडोज बहुत बड़े हैं। आपको माइलेज क्या निकाल के दे रही है? 22-24। सिटी हाईवे ट्रैफिक कहाँ पे? सिटी में, सिटी जा सकती है। ठीक है, बोनेट जैसे मैंने बताया था इस गाड़ी में नहीं दिखता है, क्योंकि दिस इज अ डिफरेंट सेगमेंट और इसमें नहीं दिखाई दे रहा, तो सो यू हैव टू ड्राइव इट ऑन योर एक्सपीरियंस। ब्रेक में एक बार देखना चाहता हूँ इसके। वो जो अचानक बाइट है ना, वो थोड़ा सा मुझे मिसिंग लगता है।
एक चीज ये भी हो जाती है कि जो गाड़ी आप डेली चलाते हो ना, फिर आप उसको साथ उसे कंपेयर करने लग जाते हो। मैं एक बार बाइट देखना चाह रहा हूँ, हो सकता है मेरी में है तो मुझे इसमें कम लग रहा है। ठीक है, बाइट तो नहीं कहूंगा मैं कि है, मतलब उतना ज्यादा नहीं है, मैं सिर्फ ब्रेक्स कंपेरिजन करूँ। बाकी चलो अब अर्टिगा के बारे में बात करते हैं, कंपेरिजन ज्यादा नहीं करेंगे। गियर्स स्मूथ है, हैंड ब्रेक ऑब्वियसली ड्राइविंग टाइम लगाने के लिए नहीं होता है, तो इतना एफिशिएंट ड्राइविंग में आपको नहीं होगा। और ये ज़्यादा मैं कहूँ क्या कहते हैं उससे ज़्यादा एक्टिव इसलिए भी नहीं बनाते, क्योंकि अगर चलती गाड़ी में को खींच देगा तो गाड़ियाँ स्किड कर जाती हैं, इसलिए इसे ज़्यादा सेंसिटिव नहीं बनाते। सीएनजी वाला इफेक्ट देखना चाह रहा हूँ, एक सेकेंड, बढ़िया। एक बार पिकअप चेक करते हैं सीएनजी में इसका। ये तो था सीएनजी में, अब मैं एक बार पेट्रोल में देखना चाह रहा हूँ कितना क्या फर्क है। यहाँ पे एमआईडी में आता है लिखा हुआ, हल्का सा ज्यादा है, क्योंकि फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट है तो ज्यादा डिफरेंस आप नोटिस नहीं कर पाओगे, ना ही पावर लैग ज्यादा कर पाओगे। पेट्रोल में मैं एक बार सीएनजी में करता हूँ, क्लिक की आवाज आती है जैसे स्विच करते हो ना, अब हल्की है। पेट्रोल से जब सीएनजी में स्विच करते हैं ना तो थोड़ी सी एक डिफरेंट आवाज़ आती है, जो कि सीएनजी से पेट्रोल में करोगे तो हल्की सी कम है। सीधा जाना घुमाना है, सेकंड गियर में भी आराम से उठ जाती है सीएनजी में। विजिबिलिटी तो बढ़िया है, बस इसमें थोड़ा सा साउंड ज्यादा है, मतलब इफ आई कंपेयर इट विद ब्रेजा, थोड़ा सा जो इंजन साउंड है वो इसमें आता है, जो कि ब्रेजा में बिल्कुल भी नहीं है। इंजन साउंड अगर मैं बात करूँ, नॉट रोड नॉइज, इसमें इंजन का है। चलो पेट्रोल में एक बार देखता हूँ करके, क्या भी उतनी साउंड है। आपको नोट कितने की पड़ी थी? 1110। ठीक है, VXI वेरिएंट ना, इतने में आपको अब तो नहीं मिलेगा, ब्रेजा महंगी हो गई है, मेरे ख्याल से 80-90 हज़ार महंगी हो गई है। इंजन साउंड तो है अभी भी, तो इंजन की नॉइज अंदर आएगी। रोड नॉइज नहीं है जो ब्रेजा में आती है, उसमें रोड नॉइज आती है, इंजन नॉइज नहीं आती। इसमें इंजन की आती है, रोड नॉइज नहीं है। सिटिंग इसमें मेरे ख्याल से हाइट एडजस्टमेंट नहीं है ना, फिर भी काफी सही है, ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा नीचे नीचे बैठ गए, वो नहीं है। पकड़ लेने पर मैं ब्रेक खींच के मार के देखना चाह रहा हूँ। टूटने का सामान तो नहीं था ना कुछ? ठीक है, अच्छे हैं ब्रेक। डिफरेंस जो मैं फील कर रहा हूँ, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द बॉडी साइज, ये बड़ी गाड़ी है उससे, ब्रेजा से तो थोड़ा सा लग है, लेकिन हाँ उसमें बाइट इससे बेटर है, ब्रेकिंग उसकी अच्छी है। यहाँ घुमा लेते हैं, बढ़िया, स्टीयरिंग रोटेशन सही है इसकी। कॉन्फिडेंस तो है ब्रेकिंग पे, मतलब हाई स्पीड पे वो नहीं है कि बड़ी गाड़ी है तो थोड़ा झूल रही है या फिर कहते हैं इसके में बॉडी रोल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी मारुति हुंडई की गाड़ी चलाता हूँ, एक चीज की तसल्ली होती है, इंजन बहुत रिफाइंड है इनके, चाहे बिल्ड उस लेवल पे ना हो लेकिन रिफाइंड बहुत, मजा आता है चलाने में।
कोई वाइब्रेशन कुछ नहीं है। हालांकि ये चीज ऐसी है कि मारुति की गाड़ियों में पूछने की जरूरत नहीं होती कि वाइब्रेशन है क्या, वो नहीं आते इनकी गाड़ियों में। तो गियर क्लच सब ओके है एकदम। वैसे भी नई गाड़ी है तो ये शिकायतें आएंगी भी नहीं इस गाड़ी के अंदर। परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है। क्या करूं इनका मैं। फिर कहते हैं लेफ्ट से ओवरटेक करते हो, हटते नहीं। अच्छा देखो, ड्राइविंग का आई कंक्लूड नाउ। कोई एक आधे चीज़ होगी तो आई शेयर इट। थोड़ा बहुत अगर गाड़ी का बचा हुआ पार्ट होगा तो आई एड इट इन टू द सेम वीडियो। ड्राइविंग अच्छी है, ड्राइविंग डायनेमिक्स गाड़ी के बहुत अच्छे है। कंट्रोल जैसे अगर मान लो मैं थोड़ी सी एक्टिव ड्राइविंग करता हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत सूट करती है, मुझे सूट करती है जो थोड़ा सा तेज चलाते हैं। हालांकि जो लोग सीएनजी गाड़ी लेंगे वो तेज़ नहीं चलाते, बिकॉज दे नीड फ्यूल इकोनॉमी, दे वॉन्ट देयर कार टू बी द फ्यूल इकोनॉमिक। ठीक है, सीधा जाना है ना। चलो, तो गाड़ी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेसियस है। कमर्शियल सेगमेंट में अगर ईको के बाद कोई गाड़ी यूज होती है इनोवा से पहले, दैट इज दिस कार। अर्टिगा ही सबसे ज्यादा यूज होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कंफर्ट एंड द स्पेस दैट इट प्रोवाइड्स। पॉजिटिव्स मुझे लगे विजिबिलिटी, अगर बोनट को थोड़ा दूर कर दे, ग्लास का एरिया काफी ज्यादा है, विंडोज काफी खुले खुले हैं, रूमी फील होता है। प्लस ड्राइविंग डायनेमिक्स गाड़ी के अच्छे हैं, ब्रेक्स ओके हैं, मतलब खाली अगर अर्टिगा की बात करूं तो अच्छे हैं। कंपैरिजन कर दूं ब्रेजा के साथ तो थोड़े से नीचे हैं, नीचे लेवल पे हैं। जैसे मैंने बताया रीजन हो सकता है इसका, आगे रोड ठीक है खराब है, सही है थोड़ा सा लेके चलते फिर घुमाते हैं। तो ब्रेक्स ठीक है गाड़ी के, अच्छे हैं जस्ट अगर अर्टिगा की मैं बात करूं तो। बाकी कंट्रोल गाड़ी का बढ़िया है, कोई बॉडी रोल कुछ नहीं है, क्योंकि लंबी गाड़ियों का हम ये मान के चलते कि इसमें बॉडी रोल होगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। सीट बेल्ट, हाँ एक चीज़ मैंने नोटिस करी, सीट बेल्ट इसकी काफ़ी स्मूथ है, मतलब ऐसा नहीं है कि खींची नहीं पड़े, बहुत सॉफ्ट है, स्मूथ है। तो अगर सीट बेल्ट लगाओगे तो मज़े आ जाएंगे। भगा गया एक बाप पेट्रोल में करूं, नहीं ज्यादा डिफरेंस मुझे फील नहीं हो रहा, मतलब कि बराबर ही पावर मिल रही है। जैसे 90 पे है पेट्रोल सीएनजी, पावर डिलीवरी बराबर सी है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये तो संतुष्टि रहती है अगर फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट लग के आती है ना, बहुत उम्दा है। वो वाला स्ट्रेच लेते हैं, ठीक है, ये सही है, ये सही है, राइट ले लेंगे। चलो बॉडी रोल चेक करवाता हूँ एक बार। पिकअप ठीक है, लेकिन जो मिड रेंज डिलीवरी है ना पावर की, वो थोड़ी सी पेट्रोल के कंपैरिजन में कम है। मतलब इसी गाड़ी में मैं सिर्फ फ्यूल टाइप का डिफरेंस बता रहा हूँ, तो वो थोड़ी सी कम है। 100 इतनी जल्दी सीएनजी में टच नहीं करती है, थ्रोटल को दबाए रखो तो इतना जल्दी टच नहीं करेगी जो कि पेट्रोल में करती है। पे है और अभी भी कंट्रोल है। हाँ, अब जो इसके NVH लेवल है वो अर्टिगा के बेटर है, ज्यादा साउंड नहीं आती है, जो कि ब्रेजा में आती है दरवाजों से आवाज आने लग जाएगी, आवाज मतलब जो हवा की होती है ना वो आएगी। और इसके NVH अब अच्छे हैं, अब मुझे लगा कि हाँ अर्टिगा इस मामले में ब्रेजा से बेटर है। यूटर्न रोड यही ठीक है। अब मैं पेट्रोल का आपको बताता हूँ, देख लें गड्ढे ही देखें। एक रीजन ये भी हो सकता है थोड़ा सा लेट 100 टच करने का, साइज बड़ा है, इंजन सेम है, मतलब गाड़ी का जो साइज है डायमेंशंस है वो ज्यादा बड़ी है और इंजन वही है जो अपनी ब्रेजा में आता है, तो उसमें बेटर परफॉर्म करता है ब्रेजा में।
आप जल्दी टच कर गई 100। वापस सीएनजी में, लेकिन कंट्रोल बढ़िया है। हवा की नॉइज है इसमें भी, है थोड़ी सी, थोड़ी सी है। नहीं नहीं, ऊपर है विंडो, चारों ऊपर है, चारों पार विंडोज हैं, मिरर अच्छे हैं, विजिबिलिटी ठीक है मिरर्स की भी। चलो वीडियो आप रैप अप करते हैं, वीडियो बंद करते हैं, समराइज कर देता हूँ वीडियो को। पॉजिटिव्स ऑफ अर्टिगा, स्टेबल है हाई स्पीड के ऊपर भी, NVH लेवल इसके अच्छे हैं, हल्की सी इंजन नॉइज है, लेकिन जो रॉड नॉइज है वो नहीं आएगी। स्पेसियस है गाड़ी, क्लोज टू 7 सीटर है। पीछे वाली जो रो है वो मेरे ख्याल से इतना कंफर्टेबल नहीं है ना, मतलब हमारी उसके हिसाब से, तो बच्चे हैं वो आराम से बैठ पाएंगे, बट स्टिल अगर आप उन्हें फोल्ड कर देते हैं तो यू गेट एम्पल अमाउंट ऑफ बूट स्पेस। ये इसके पॉजिटिव्स हैं, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। निगेटिव ज़्यादा नहीं है गाड़ी के। ब्रेकिंग ठीक है, मैं डिसअपॉइंटिंग नहीं कहूँगा, बिल्कुल भी सही है। नहीं, चारों तरफ ही खराब है। सस्पेंशन भी सही है, एकदम बीच में ट्यून किए गए हैं कि ना गड्ढे लगते हैं ना ज्यादा बाउंस करती है गाड़ी, रोल करती है। स्टीयरिंग भी बहुत बढ़िया स्मूथ है, बेल्ट काफी स्मूथ है, वो मुझे अच्छी लगी। सो गाइस, दिस वाज माय एक्सपीरियंस ऑन अर्टिगा VXL 2021 वेरिएंट। दिस वाज माय ड्राइविंग इंप्रेशन ऑन अर्टिगा। आप किस किस के पास अर्टिगा CNG है, क्या माइलेज निकाल रहे हो, क्या कैसा एक्सपीरियंस है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक्स टू तनिष्क फॉर हिज कार दैट ही मेड दिस कार अवेलेबल फॉर वीडियो दैट आई कैन शेयर माय एक्सपीरियंस इन दिस वीडियो बिफोर यू। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। खत्म, टाटा, बाय बाय।